गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स असी ऑलरेडी सॉल्यूशंस डायल्यूट सॉल्यूशंस एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर स्टार्ट किया एंड इन दैट चैप्टर वी डिड फो वी स्टार्टिड विद फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दैट वॉज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेसर दैट वी हैड कवर्ड इन आर क्लास उस बाद सैकेंड प्रॉपर्टी जी दैट वॉज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं आप थोड़ी रिवाइज कर लीन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीनस पी नोड इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वेयर एज पी एस वॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विच वॉज लेसर दैन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट सोलवेंट दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड इफ यू डिवाइड विथ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और अंस ऑलरेडी देख चुके हैं दैट इट इज इक्वल टू एक्स टू विद विच इज विच इज़ नथिंग बट मोर फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट टू इज़ यूज फॉर सल्यूट एंड वन फॉर द सोलवमेंट एंड मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू एंड फॉर वेरी डायल्यूट सल्यूशन जिस एन टू इज़ वेरी समॉल एज कंपेयर टू एन वन तो असं इतने एन टू ignore इग्नोर कर देंगे सो इट बिकम्स रेफ रफली इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन दैन सैकेंड एलीवे कोलीगेटिव प्रॉपर्टी वॉज एलीवेन इन बॉयलिंग पॉइंट जिसमें असि डेल्टा टी बी शो करते हैं इसका मतलब यह है कि अगर असं किसी भी सॉलमेंट के uh, कोई नॉन वॉलेटेड सल्यूट ऐड कर देंगे तो उसका बॉयलिंग पॉइंट इनक्रीज़ हो जाएगा और बॉयलिंग पॉइंट जिन्ना होएगा या जिना इनक्रीज होएगा वो भी सल्यूट की नेचर पर ही डिपेंड नहीं करता सिर्फ नंबर ऑफ पार्टीकल से डिपेंड करता है सो so दिस एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम वेयर के बी इज़ अ कॉन्सटेंट विच इज़ मोल एलीवेशन कॉन्सटेंट इस एबिलियोस्कोपिक कॉन्सटेंट भी कहने एंड एम हेयर इज मोलैलिटी ऑफ सल्यूशन असं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेस टर्म्स स्टडी कि जिस मोलैलिटी भी स्टडी की विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिजॉल्ट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मीनस डबल्यू टू अपॉन एम टू पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट मीनस वेट इन किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। बट अगर वेट ग्रैम के तो सू इसको डिवाइड करना पेगा किलोग्राम किलोग्रैम कन्वर्ट हो सके और थाउजेंड न्यूमिरेटर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह साढ़े को थर्ड कोलीगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच कैन बी डिनोटेड बाय डेल्टा टी एफ and by similar method have case math uh, on already video links pages again delta tf can be shown to be equal to kf into m again kf here is a uh, constant which is known as molar depression constant and it is also known as cryoscopic constant or uh, m is again molality of the solution और के बी और के एफ़ जोड़े असं स्टडी किए हैं कॉन्सटेंट्स इन्होंने जेडे यूनिट्स है और यूनिट्स अस किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं so के एफ़ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन एम एम इज़ द मोलैलिटी सो के एफ़ के यूनिट्स के कैलविन पर मोलल सो दिस इज़ कैलविन पर मोलल और मोलल अगे असी अगर ओपन कर लिए तो यूनिट्स बन जाने कैलविन किलोग्राम पर मोल और यही यूनिट्स हो गए के उसके बाद को आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर अपना लास्ट जो वीडियो लिंक में भेजा ऑस्मोटिक ऑसमोटिक प्रैशन लिंक इस पाई भी शो करते हैं और कुछ बुक्स कैपिटल पी के शो करते हैं सो दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी वे सी इज अगेन कॉन्सनट्रेन टर्म बट अगेन बट सॉरी दिस कॉन्सनट्रेन टर्म इज़ नॉट मोलैरिटी हेयर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी सो वी नो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सल्यूशन सो हेयर वॉल्यूम वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सल्यूशन इन लीटर्स इफ वॉल्यूम इज गिवन इन मिली लीटर्स दैन वी हैव टू डिवाइड दिस वॉल्यूम टू कन्वर्ट इट इन टू लीटर्स सो दिस इज़ फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नाउ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपलरेडी स्टडी कर चुके हैं इसका मतलब की है कॉलीगेटिव वर्ड जहाँ है दैट इज मीन्स दैट मीन्स लिंक्ड टूगैदर इट मीन्स ये सारिया प्रॉपर्टीज एक दूसरे न लिंक्ड है अगर सू एक प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनदर अदर प्रॉपर्टी और यार ही प्रॉपर्टीज़ जो है नंबर ऑफ पार्टीकल्स से डिपेंड कर सल्यूट के और उन्होंने नेचर से डिपेंड नहीं कर प्रोवाइडिड द सोल्यूशन इज डायल्यूट सोल्यूशन सल्यूट इज नॉन वॉलिटाइल सल्यूट एंड सल्यूट पार्टिकल्स आर नाइदर अंडरगोइंग एसोसीएशन डिसोसीएशन तो हूँ अभी स्टार्ट कर रहे हैं रिलशन बिटवीन कोलीकेटिव प्रॉपर्टीज चार प्रॉपर्टीज वि कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ लै लाँगे और उन्होंने रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बुक में जो ये रिलेशन दता हुआ है अलग अलग कॉलीकेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो रिलेशन दिता हुआ और डिफरेंट मैथड्स ना होया बट मैं थो बहुत ही सिंपल मैथड दसन लगी हिस तरह अं कोई भी दो कॉलीकेटिव प्रॉपर्ट का रिलशन आप उस फाइंड आउट कर सकते हैं इस जो मेन प्रिंसीपल है वो यही है कि सारे प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर डिपेंड कर दी हैं मीनस एन टू की वैल्यू पर डिपेंड करती है तो कर अभी हर एक प्रॉपर्टी की जी वैल्यू है वो एन टू की टर्म्स फाइंड आउट कर लेनी है दोवे की वैल्यूज एन टू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस भी और इस भी और उन्होंने दोनों वैल्यूज़ में असं इक्ुएट कर देंगे फॉर एग्जाम्पल जिस तरह असी अगर इन्ह दो प्रोपर्ट की रिलेशन फाइंड आउट करना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो असं करे सब तो पहलों पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड फस्ट प्रॉपर्टी डेडी सी दैट वॉज एक्स टू एंड इट कैन बी रिटनेस एन टू अपॉन एन वन सो इतों अं एन टू वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सो एन टू इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इन टू एन वन सो अस इस तरह लिख तरह असी सैकड प्रॉपर्टी की वैल्यू फाइंड आउट कर हैं। पाई इज इक्वल टू सी आर टी एंड सी आर टी सी इज़ इक्वल टू एन टू अपॉन वी इन टू आर टी सो दो भी साढ़े को वैल्यू है या तो असं ये कर सो एक प्रॉपर्टी एन टू दैल्यू निकाल के असी दूसरे में पुट कर सी दोवे एन टू दैल्यू निकाल के आपस इक्ुएट कर सकते हैं जिस तरह की अगर असं इतों एन टू की वैल्यू फाइड आउट कर ली है और अगर अं इ एन टू की वैल्यू फाइड आउट करिए सो एन टू इज इक्वल टू पाई वी अपॉन आर टी हेयर वी इज़ वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन सो फ्रॉम फर्स्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी वी हैव डिराइव द वैल्यू ऑफ एन टू फ्रॉम सेकेंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्ट अगेन वी हैव डिराइव द वैल्यू ऑफ एन टू सो इतने अभी दोनों प्रॉपर्ट न इक्ुएट कर देंगे दोनों एन टू दैल्यूज़ में इक्ुएट कर देंगे सो सा को वैल्यू आ जाएगी <coughs> पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इंटू एन वन एन वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वमेंट सो विच कैन बी रिटनेस वेट ऑफ सोलवेंट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट किसी भी चीज नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने तो उसका वेट डिवाइड बाय उसका मॉलिकुलर वेट सो दिस इज इक्वल टू पाई वीयर वी इज वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन डिवाइड बाई आर टी तो इतों से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट दिस इज इक्वल टू पाई वी सल्यूशन अपॉन आर टी इंटू एम सॉल्वेंट अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट नाउ बिकॉज द सॉल्यूशन इज वेरी डायलूट वी नो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूशन क्योंकि सल्यूट असं बहुत थोड़ा ऐड किया तो सल्यूट का वेट बहुत ही थोड़ा है तो सल्यूशन का जो वेट है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू वेट ऑफ सोलवेंट सो असं ये वैल्यू इतने पुट कर देंगे सो वील हैव पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट दिस इक्वल टू पाई अपॉन आर टी इंटू एम सोलवेंट इंटू V solution upon W instead of writing solvent we can write here solution. So this is V mass of solution divided by volume of solution, this is nothing but density of solution. So it can be written as pi upon R t into M upon D. So here M is molecular weight of solvent and D is density of solution.